गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सॉरी पीछे बहुत साउंड हो रहा है, वो बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा है और ये सब तो आप लोगों को पता ही चल गया है। ये सब हम लोग जो बाहर से खाना लाते हैं वो सब का वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस है, मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। आज बनेगा रॉ बनाना का कोफ्ता, वो कल आते वक्त लेके आए थे और आके बोला कि ये खाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह रेडी कर लेती हूँ वरना बाद में तो होता नहीं और ये सब काम थोड़ा झमेला का है। तो रॉ बनाना और एक पोटैटो मैंने बॉईल कर लिया है। अभी इसमें मैं ये सब डाल दूंगी, रेगुलर जो मसाला ये सब डाल दूंगी और ये वाइट वाला थोड़ा सा, वाइट नहीं ये वाला थोड़ा सा अदरक क्रश करके दिया है। देखिए आज कितना बड़ा काम लेके बैठी हूँ और अभी बजा है 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैंने जस्ट घर का काम अभी अभी ख़त्म किया है पर आज नहाया नहीं और ये सब मेरे क्या बोलो जान के टुकड़े हैं ये सब। एक्चुअली ना कल मैं मेरी एक फ्रेंड के घर गई थी, वो फ्रेंड बहुत दूर रहती और बहुत दिनों के बाद गई थी और उसका जो गार्डनिंग का शौक क्या बताऊँ, थोड़ा सा मैंने वीडियो लिया था वो ऐड कर दूँगी। और उसका जो गार्डनिंग का शौक मैंने बहुतों का कम देखा है, जब भी मैं उसके घर जाती हूँ आते वक्त खाली हाथ नहीं आती हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मैं लेके आती हूँ और वो खुद से ही मुझे बोलती है लेके जाओ क्या चाहिए, लेके जाओ क्या चाहिए, ऐसा मतलब। तो मैं कितना कुछ लाई हूँ देखिए, अभी और भी वहाँ पे है मैं दिखाऊंगी। अभी ये सबको लगाना है और एक बात है ना कि मेरा जो प्लांटिंग का इतना शौक था, थोड़ा बहुत पहले से था लेकिन इतना ज़्यादा जो हुआ है ना उसके कारण हुआ है। उसके घर जब पहले तो बहुत आना जाना था, आजकल होता नहीं है, वो भी बिज़ी रहती है और मेरा भी नहीं होता है। और ये स्पाइडर प्लांट का जो वैरायटी है ये मेरे पास नहीं था, मेरे पास ये वाला वैरायटी है और मैं ये बहुत दिनों से ढूंढ भी रही थी। तो मैं उसने मुझे जब बोला कि कुछ लेके जाओ जो चाहिए तुम्हें, तो मैंने बोला यही मुझे दे दो, ये यहाँ से एक दे दो। फिर इसने बोला कि यहाँ से एक देने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा उठा के लेके जाओ। देखिए पूरा मुझे दे दिया, मतलब इसके पास ढेरों प्लांट्स क्या क्या नहीं है। ये एक देखिए कितना सुंदर ना बटरफ्लाई टाइप, इसको थोड़ा शेड में रखना है इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये पूरा बना बनाया है और यहाँ पे ये भी दिया है, ये एक ब्लू फ्लावरी प्लांट है जो आजकल मुझे बहुत चाहिए था क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स का भी लगाना शुरू करूँगी। और ये जो स्नेक प्लांट है वो तो मेरे पास है लेकिन ये वैरायटी नहीं है, ये जो साइड में येलो रिबन टाइप, तो ये सब उसने मुझे दिया है। पर मेरे पास आज इतना प्लांटर भी नहीं है लगाने के लिए और कंपोस्ट मिट्टी, ये मिट्टी तो हो जाएगा, मैंने बोल दिया है मिट्टी आ रहा है लेकिन टब तो नहीं है। देखती हूँ, मैंने हस्बैंड को बोल दिया है ऑफिस से आते वक्त कुछ लेके आने के लिए, अभी इतना सा मैं लगा लूँ। सॉइल मैंने रेडी कर लिया है और होल बंद करने के लिए देखिए मुझे क्या मिला है, कुछ नहीं मिल रहा था, ये किसी स्क्रू का पता नहीं क्या चीज़ है मिल गया है, अभी इससे कर दूंगी होल बंद। नए मेंबर के लिए अभी जगह बना रही हूँ मैं, एक्चुअली ऐसा प्लांट्स है ना जो उसको थोड़ा सा शेड में रखने से भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब प्लांट को यहाँ पे रख दूंगी मैं। और मैं अभी थोड़ा सा पानी दूंगी
पता है मुझे इस वक्त पानी देना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अभी अभी जो प्लांट्स लगाया ना उसमें थोड़ा सा नहीं देने से प्रॉब्लम होगा, कल रात से ये सब ऐसे ही था, तो थोड़ा सा पानी देके पोछा लगा के मैं नहाने जाऊँगी। बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, मुझे लगा कि ये शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि सडनली ना मुझे ये खाने को बहुत मन किया। बचपन में जब भी ऐसे ऑड टाइम पे भूख लगता था या फिर ऐसे ही, मतलब क्या बोलूँ, जब हर छोटे बच्चे को ऐसा होता था ना, और मैं तो स्पेशली नाना नानी के पास बड़ी हुई हूँ बहुत प्यार से, मतलब क्या बोलूँ, हम लोगों में मतलब बंगाली में एक कहावत है, कहाँ पे रखा जाए, मतलब इसको जमीन पे रखे या सर पे रखे, ऐसा चीज़। तो मैं भी बहुत प्यार से पली बड़ी हूँ, नाना नानी मौसी छोटी मौसी के पास, फिर जब जब माँ बाबा आते थे वैकेशन में माँ बाबा के साथ, जो भी हो, मेरा ना एक चीज़ था, ऑड ऑड टाइम पे बहुत लगता था भूख, तो मैं नानी को बोलती थी मुझे आटा भाजा करके देने के लिए, मतलब आटा है ना, इसको ऐसे ही घी में फ्राई करके काजू बादाम ये सब देके। तो पता नहीं आज क्या हुआ, आज तो सारा दिन भर इतना काम कर रही थी मैं, दोपहर 2 बजे नहा के आई, फिर आके थोड़ा सा जैसे तैसे खाना खा लिया था, और अभी मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा था ये आटा भाजा खाने को, तो मैंने बना लिया। थोड़ा सा बादाम भी फ्राई किया, काजू नहीं है तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, इसमें मैं अभी डालूंगी चीनी, तो चीनी मिल गया, चीनी ज़्यादा है नहीं, और बनाऊंगी चाय, अभी मस्त करके चाय बन पीऊंगी। लेकिन ये जब मैं तब खाती थी ना नाना जी, फिर मैं मेरी नानी को दीदी भाई बोलती थी, वो बोलते थे धीरे धीरे खा, बात मत कर, गले में अटक जाएगा, खांसी आ जाएगा, ये ड्राई ड्राई है ना खाने, मुंह में लेके बात करने से या कुछ करने से खांसी आ जाता था, फिर गले में लग भी जाता था, बहुत याद आता है ये सब। ये अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा करके मैं खाऊंगी, और मुझे जितना लेना था मैंने ले लिया है, उनके लिए भी रखा है, लेकिन मुझे पता है उनको ये सब पसंद नहीं है, वो भी मुझे खाना है। थोड़ा सा ऐसे लेंगे जस्ट मेरी मन रखने के लिए, लेके हो गया मेरा हो गया ऐसे करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैंने सुबह बोला था आप लोगों को कि मैं उनको बोल के भेजी हूँ कि आते वक्त मेरे लिए हो सके तो कुछ लेके आए, जैसे कि ये वाला एकदम एग्जैक्टली यही मुझे चाहिए था, ये स्टार प्लांट के लिए, स्टार सकुलेंट के लिए, क्यों क्या होता है ना ये स्टार सकुलेंट जो है अगर अच्छा से ग्रो कर जाए तो ये ऐसे स्प्रेड होता है, ये तो अपवर्ड, ये तो लंबा नहीं होगा ना, ये ऐसे स्प्रेड होगा। और जैसे कि खाद भी मेरे पास था नहीं, ये वाला खाद मैं यूज़ करती हूँ, तो ये भी 2 पैकेट लाए हैं, तो मैं चाय बना लूँ अभी, चाय पी के अभी मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि कल कहा मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कि खाद अभी लगा लूँगी, अभी मैं पहले चाय बना लेती हूँ, चाय बना के चाय पी के फिर ये अभी लगा लूँगी। ये पीछे से मुझे चिरा रहेगी, मैंने बोला है कि खाद के साथ चाय बनाऊँगी, क्या करे। ये मैंने रेडी कर लिया है और अभी मैं लगा लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में ना ये सब के पीछे जाती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। और रमा, तुम अगर मेरी ब्लॉग देख रही हो तो थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना सुंदर सुंदर और क्या बोलूँ ये सब प्लांट, मैं अगर खरीदती तो कितना, नहीं ये नहीं बोलूँगी, बोलने से तुम नाराज़ हो जाओगी, पर थैंक यू सो मच, इतना सुंदर सुंदर प्लांट्स तुमने मुझे दिया है। मैंने बहुत कोशिश करके सुंदर करके लगाने की कोशिश की है, देखती हूँ अभी तो तुम्हारे वापे जैसे इतना अच्छा से ग्रो कर रहा था, ये मेरे यहाँ पे कैसे ग्रो करेगा। देखिए छोटे से प्लांटर में कैप्सिकम आया है, और वो भी 3-3 कैप्सिकम, पहले भी आया है, ये सब रोमा का गार्डनिंग है। और ये देखिए पीपल ट्री,
इसको इसने बॉन्साई बनाया है, कितना सुंदर से बॉन्साई खुद वो खुद ही बनाई है, मतलब खरीद के नहीं लाई। और ये जेट प्लांट इसको भी इसने ही बॉन्साई बनाया है, इतना प्यारा। मैंने तो और भी क्लिपिंग लिया था लेकिन ऐड नहीं किया। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बजाय दिखा देती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा करके। अभी बजाय 9:20 और मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ, थोड़ा लेट मतलब बहुत ही लेट, 8 उठी हूँ आज नींद से। घर का काम कुछ भी नहीं हुआ अभी और बाहर का मौसम क्या बोलूँ, पूरा बारिश एकदम कल रात से ही शुरू हुआ है, अभी तो एकदम पूरा। तो फटाफट से सोचा कि ये ब्लॉग मैं एंड कर देती हूँ, करके मैं दोबारा से नया ब्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग कल से चल रहा है और कल मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी वो प्लांट सब लगाने के बाद। रात को फिर से और एक लगाया, फिर वो बैल्कनी एरिया ठीक किया, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि उस बैल्कनी एरिया में हम लोगों ने लाइट नहीं लगाया। घर के अंदर का जो लाइट थोड़ा सा बाहर जाता है उससे ही हो जाता है, पर शूट करने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। वो सब ठीक किया, फिर थोड़ा वो ऑफिस से आ गए थे, बात उत कर रही थी तो इसलिए मैंने और वीडियो ऐड नहीं किया था। पता नहीं, सॉरी, बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ, गले में कुछ लग रहा है कि अटक गया है। तो मैं अभी फटाफट से नहा के पूजा करके फिर से नया एक ब्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि लगता है आज का दिन बहुत बिजी होने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उस रूम में, वो वाला रूम मुझे ठीक करना है जो हम लोगों का बेडरूम है। सॉरी पता नहीं होगा कि नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा वेट करके नहाने जाऊंगी, क्योंकि वो उठ के ही चाय पी के बाहर चले गए हैं एक किसी को लाने के लिए, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी हो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये प्लांटिंग का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का ये छोटू सा ब्लॉग, आज का नहीं है कल से चलने वाला ब्लॉग, ये एंड करती हूँ। और अब मुझे एंड करना ही पड़ेगा, गर्म पानी पीऊँगी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी फिर क्या थोड़ी देर बाद से और एक ब्लॉग शुरू कर दूँगी, फिर मिलूँगी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।